हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एवरेज के प्रश्नों की, औसत के प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि 11, 23 तथा एक्स का औसत 40 हो तो एक्स का मान कितना है। किस किस की बात कर रहा है? 11 + 23 प्लस एक्स, कितनी संख्या है दोस्तों? ये आपकी तीन संख्या है, ठीक है। और संख्याओं का क्या कर लिया हमने? योग कर लिया। आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर हम संख्याओं के योग में संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत पता चलता है। तो संख्याओं का योग हमने ले लिया। संख्याएं कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3 संख्याएं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हम योग में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर? 40 मिल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो 11 + 23 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 34 + x। क्लियर इतनी बात? 11 + 23 हमने जोड़ा 34 + x, ठीक है। अब ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 12 ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पर x बराबर 120 रहेगा आपका। ये 34 बराबर के इधर जाएंगे, माइनस हो जाएगा 120 में से, तो 120 में से हम 34 को घटा देंगे। 120 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा? देखिए, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। x का मान कितना निकल के आ गया? 86 निकल के आ गया। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 86 दे रखा है दोस्तों आपको सी ऑप्शन में। क्लियर हुई बात? उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या या फिर कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि संख्याओं के योग में संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 संख्याएँ, आपके पास 5 संख्याएँ, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ, ठीक है। पाँचों को हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो 5 + 4 = 9, 3 = 12, 12 + 2 = 14 और 1 = 15। कितना योग हो गया दोस्तों? 15 हो गया। और हमारे पास संख्याएं कितनी है? 5 हैं। तो योग में क्या करेंगे? संख्या जितनी है उतनी से डिवाइड करेंगे, आपका औसत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका औसत हो गया। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि आपको योग में जितनी संख्या उतनी से डिवाइड करेंगे, औसत आपको यहाँ पर दे ही रखा है। तो प्रश्न में किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 40, 10, 25, 20, 35, एक्स का औसत 25 हो तो एक्स का मान कितना है। बिल्कुल पहले के प्रश्न के जैसा है। किस किस का? 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x। कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हैं। तो 6 से डिवाइड कर देंगे योग में, आपको औसत कितना प्राप्त होता है? 25 आपको औसत प्राप्त होता है, ठीक है। सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब हम सभी को जोड़ेंगे, 40 और 10 50, 50 में 25, 75, 20 95 में पहले 5 जोड़ दो 100 हो जाएगा, फिर 30 जोड़ देंगे 130। तो सभी का योग कितना आया? 130 आ गया, ठीक है। सभी का योग 130 प्लस कितना है आपका? एक्स है। अब यहाँ पर पहले की तरह 6 का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 25 से हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150। अब देखिए, एक्स रहेगा बराबर कितना? 150। ये प्लस का 130 बराबर के इधर आके माइनस का 130 हो जाएगा। तो 150 में से 130 घटा देंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये आपका एक्स का मान निकल के आ गया, 20। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संख्याएं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस बार औसत दिया नहीं गया है, इस बार औसत पूछ रहा है। किस किस का? 5 + 8 + 0 + 12 + 15 इनका औसत पूछ रहा है। तो जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे योग में। तो योग कर लीजिए, 5, 8, 13, 13, 12, 25, 25 और 15 कितना? 40। योग कितना हो गया? 40 हो गया।
संख्याएं कितनी है हमारे पास, पाँच हैं, तो पाँच से मैं 40 में डिवाइड दूंगा, कितनी बार जाएगा, आठ बार जाएगा, औसत आ गया आपका आठ। आठ क्या आ गया आपका औसत, ये हो गया सही आंसर। आठ दे रखा है आपको बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इससे क्या होगा, औसत आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीन के प्रथम नौ गुणजों का औसत कितना है। देखिए इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो सिंपल तरीका बेसिक और एक आपका शॉर्टकट तरीका। देखिए तीन के प्रथम नौ गुणज, तो तीन का जो प्रथम गुणज हो जाएगा वो तीन हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा छः, फिर हो जाएगा नौ, फिर आपका बारह, फिर हो जाएगा दोस्तों आपका पंद्रह तीन का गुणज, फिर अट्ठारह हो जाएगा, इक्कीस हो जाएगा आपका, चौबीस हो जाएगा, सत्ताईस हो जाएगा। आपको बात करनी है नौ गुणज की, बात की है तीन के प्रथम नौ गुणज, तो एक ये हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गुणज हो गए दोस्तों ये तीन के, ठीक है, तीन के नौ गुणज हो गए। अब तीन के ये नौ गुणज हो गए तो कितनी संख्या सभी का योग कर लीजिए भाई, यहाँ पर हम सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए तीन और छः नौ नौ अठारह, अठारह में आप बारह जोड़ देंगे तीस हो जाएगा, पंद्रह जोड़ देंगे पैंतालीस हो जाएगा, और अठारह जोड़ देंगे तो पैंतालीस में अठारह जोड़ेंगे तिरसठ, तिरसठ में आप इक्कीस जोड़ेंगे चौहत्तर, चौहत्तर में आप कितना जोड़ेंगे चौबीस, अठहत्तर बीस अठानवे, और सत्ताईस जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, सभी का योग करने पर ये आपका पैंतीस हो जाएगा, एक सौ पैंतीस, ठीक है। संख्याएं कितनी है, नौ संख्याएं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ संख्या हो रही हैं, कितनी नौ, तो नौ से डिवाइड कर देंगे योग में। जब हम योग में नौ से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा दोस्तों नौ एक कम नौ कटेगा, चार बचेगा पैंतालीस, नौ पच्चे पैंतालीस, पंद्रह बार में कट गया, पंद्रह हो गया सही आंसर। एक तो ये तरीका है, ठीक है, तीन के हमने नौ गुणज लिख लिए, सभी का हमने योग किया, और योग में क्या किया, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दिया। अब देखिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है, देखिए जब आपके संख्याओं का अंतर समान हो, तीन में छः में तीन का अंतर, छः में नौ में तीन का, नौ में बारह में तीन का, जब आपका संख्याओं में अंतर समान चल रहा है, अंतर जब समान चल रहा है तो ट्रिक क्या रहती है, ट्रिक होती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू, ये आपकी ट्रिक रहती है। तो फर्स्ट क्या है आपका तीन है, तीन लिखेंगे, लास्ट क्या है आपका सत्ताईस है, सत्ताईस लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टू। अब देखिए सत्ताईस और तीन को मैं जोड़ूंगा तो तीस डिवाइडेड बाई टू करूंगा, आपका आंसर पंद्रह। तो एक बार को इसको करने में तो गलती हो सकती है क्योंकि आप सभी का योग करेंगे, तो एक बार के लिए योग करने में कोई गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू करना है, आंसर आ जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सौ से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। सौ से कम, तो सौ से कम स्टार्ट कहाँ से होगा दोस्तों, एक से स्टार्ट होगा, एक फिर विषम संख्या तीन, फिर पाँच, फिर सात, इस तरीके से जाएंगे दोस्तों। और कहाँ तक जाएंगे, सौ से कम तक, तो सौ से कम कहाँ तक विषम संख्या रहेगी, निन्यानवे तक। इसका मतलब एक से लेकर निन्यानवे तक का ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, जब हमारी बड़ी संख्या है तो हमें क्या करना है, बीच का अंतर, एक और तीन में कितने का अंतर, दो का, तीन में पाँच में दो का अंतर, पाँच में सात में भी दो का अंतर, अंतर जब आपका समान चले, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू मैंने आपको बताया, अभी इसी को लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कितना है, एक है, लास्ट कितना है, निन्यानवे है, डिवाइडेड बाई टू करेंगे, निन्यानवे और एक कितना हो जाएगा, सौ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, पचास, ये आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम पांच अभाज्य, पहली अभाज्य दो, दूसरी अभाज्य तीन, तीसरी अभाज्य पाँच, चौथी अभाज्य सात, और पांचवी अभाज्य ग्यारह, ये प्रथम पांच अभाज्य हैं। पांच का पूछा है वो भी प्रथम, ये प्रथम की पांच अभाज्य हो गई। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभाज्य संख्याओं के लिए कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक नहीं होती, इनको आपको जोड़कर ही आंसर लेके आना पड़ता है, जोड़कर। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, दो और तीन पाँच, पाँच और पाँच दस, दस में सात जोड़ेंगे सत्रह, सत्रह में ग्यारह जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सभी का योग अट्ठाईस, ठीक है। जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करते हैं, संख्या आपकी पाँच हैं
तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25 तक कट जाएगा, 3 बचेगा नहीं जाएगा, तो दशमलव कितना हो जाएगा 30, 5 छक्के 30, तो 5.6 ये आपका औसत हो जाएगा, यही आपका आंसर 5.6। सी ऑप्शन में दे रखा है 5.6, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अभाज्य संख्याओं के लिए आपको उन्हें गिनती करके योग निकालना होगा, जितनी संख्या होंगी उतने से डिवाइड करना होगा, तब आपका आंसर आएगा, इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का 4 का 5 का 6 का 7 के स्क्वायर तक ये जा रहा है और पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, स्क्वायर वाला आपसे ऑप्शन है, वो भी कैसी है संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, लगातार संख्याएं, भाई 1, 2, 3, 4 ये लगातार संख्याएं, और स्क्वायर का दे रखा है, इसका हमें योग औसत बताना है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, हमारे एन के स्क्वायर तक जा रहा है, अंत तक जा रहा है, एन के स्क्वायर तक, ठीक है, एन के स्क्वायर तक। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला होता है n(n+1)(2n+1) डिवाइड में रहता है दोस्तों 6, ये इसका फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा। n आपका दोस्तों कितना है, अंतिम नंबर होता है, अंतिम नंबर 7 दे रखा है, तो n आपका कितना हो गया 7, ठीक है, इंटू n आपका 7 है, 7 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, इंटू n आपका 7 है, 7 दुने का 14, 14 में 1 जोड़ देंगे कितना 15, डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों 6, बस सॉल्व हो गया, क्लियर, कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब मैं इसको कटाऊंगा तो ये कटेगा दोस्तों 3 दुने का 6 3 5 15, 2 से कटेगा 4 बार में ये 8, इनका आपस में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इनका आपस में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 20 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे ये कितना हो जाएगा 140, 140 आपका आ गया। ये 140 जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया आपका आंसर, आप बोलेंगे हमारा आंसर तो 140 दे ही नहीं रखा है, अब क्या करें, ये दोस्तों क्या निकल के आया है, 140 आपका आंसर नहीं, आपका योग निकल के आया है, 140 आपका योग। अब हमारे पास संख्याएँ कितनी हैं, संख्या हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हैं, 7 से कर देंगे इसमें डिवाइड, 7 दुने का 14, 1 ही 0, 20 बार में कटेगा, ये आपका प्रश्न का आंसर आ गया 20 दे रखा है बी ऑप्शन में। तो इस प्रश्न के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता जिन बच्चों को समझ में आ गया है उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी प्रकार के वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।